गुड मॉर्निंग बच्चों, आदाब। विश यू अ वेरी हैप्पी ईद। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ईद मनाते रहिए, सेवैयां खाते रहिए। और एक छोटा सा शेर अर्ज किया है आज इस पावन पर्व पर कि यही दुआ मांगते हैं हम आज ईद के दिन। हो सभी तेरी मुरादें पूरी आज ईद के दिन। तेरे आंगन में उतरे हर रोज ईद का चांद, तेरे आंगन में उतरे हर रोज ईद का चांद, और महकता रहे ये तेरा चमन आज ईद के दिन। गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो बच्चों? वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर दैट इज फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। आज हो रहा है आपका ये टॉपिक फिनिश, चैप्टर फिनिश, चैप्टर नंबर 2, जो है आपका पोटेंशियल और कैपेसिटर से रिलेटेड। चैप्टर के बारे में छोटा सा पॉइंट रह गया है, करते हैं स्टार्ट। आइए देखते हैं, टॉपिक है आपके पास कॉमन पोटेंशियल। देखते हैं बच्चों, समझो इस बात को, कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। कॉमन पोटेंशियल का मतलब हुआ कॉमन क्षमता। मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं कि पोटेंशियल वर्ड जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है क्षमता से। पोटेंशियल वर्ड किससे रिलेटेड है? जी हाँ, पोटेंशियल वर्ड रिलेटेड है बच्चों क्षमता से। तो ऐसे समझो कि जब दो स्फीयर्स हैं, दो पानी की टंकी है जिनमें पानी भरा हुआ है, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, उनको अगर मैं कनेक्ट कर दूं, क्या एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी शिफ्ट होगा? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों टंकियों में पोटेंशियल हो गया बच्चों बराबर, तो ना ये वाला उसमें पानी ट्रांसफर करेगा, ना ये वाला उसमें पानी ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि दोनों में पानी का अमाउंट भी सेम है। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था पोटेंशियल के बारे में कि पॉसिबल है अगर ये टंकी है, इसमें है 10 लीटर पानी, तो डेफिनेटली 500 वाली 10 लीटर में पानी ट्रांसफर करेगी टिल जब तक कि दोनों में पानी बराबर ना हो जाए। क्या ऐसा कुछ स्ट्रेटजी, ऐसा कुछ जुगाड़ हम बना सकते हैं कि 10 वाला अपना पानी 500 में भेज दे? जी हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं। कब? जब इस 10 वाली को हम हाइट पर ले जाएं, किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर ले जाएं, और आप देखेंगे कि 10 वाली पानी ट्रांसफर करना चालू कर देगी 500 वाली में। ऐसा कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। इसका मतलब दोनों में पानी बराबर नहीं होगा। तो यहां पर हम पोटेंशियल को कंपेयर करेंगे पोटेंशियल की पानी के पोटेंशियल से, और जो पानी का अमाउंट है उसको हम कंपेयर करते हैं चार्ज से। एग्जैक्टली ट्रांसफर क्या हो रहा है बच्चों? पानी स्फीयर्स को अगर मैं चार्ज देकर ट्रांसफर करने की कोशिश कराऊंगा तो वहां पर क्या ट्रांसफर होगा? चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी को अगर मैं कंपेयर करूं चार्ज से, तो वहां पर पानी का पोटेंशियल और यहां पर चार्ज का पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाएगा। समझते हैं और डिटेल में बात को। देखिए, आपके पास ये दो स्फीयर्स हैं। सपोज कीजिए एक स्फीयर का नाम ए दे दिया, एक का नाम बी दे दिया। इस पर कैपेसिटेंस है इसकी C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2। इस पर चार्ज हो गया Q1, इस पर चार्ज हो गया Q2, इस पर पोटेंशियल हो गया V1 और इस पर पोटेंशियल हो गया V2। आपने इन दोनों को ही कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टिंग वायर से। जी हाँ, हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टिंग वायर से। और जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे कंडक्टिंग वायर से बच्चों, क्या होगा? जी हाँ, इस पर फ्लो होना चालू हो जाएगा चार्ज का। किससे किस में, ये मैं भी नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते। बस इतना जानते हैं कि डेफिनेटली उससे उसमें ट्रांसफर होगा जिसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ाऊं तो मेरी नॉलेज उस नर्सरी क्लास के बच्चे में ट्रांसफर होगी, ना कि उसकी लिटिल बिट नॉलेज मुझ में ट्रांसफर होगी।
तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये नॉलेज का ट्रांसफर कब तक चलेगा, जब तक कि वो मेरे प्लेटफॉर्म पर आके खड़ा ना हो जाए। वो मेरे प्लेटफॉर्म पर आके खड़ा ना हो जाए का मतलब क्या होता है, हम दोनों की नॉलेज बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ये दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं। हमने चार्ज मान लिया Q1, चार्ज मान लिया Q2, ये है बिफोर शेयरिंग की बात, बिफोर शेयरिंग। लेकिन आफ्टर शेयरिंग इनमें चार्जेस में परिवर्तन आएगा। आफ्टर शेयरिंग की बात हमने मान लिया, आफ्टर शेयरिंग कैपेसिटेंस वही रहेगी C1, चार्ज हो गया सपोज करो Q3, पोटेंशियल मान लिया V, यहां की कैपेसिटेंस भी रहेगी C2, चार्ज हो गया Q4 और पोटेंशियल भी मान लिया V। क्यों मान लिया पोटेंशियल V, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, जी हाँ हम पढ़ रहे हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि एक सर्टेन स्टेज के बाद दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा सेम। अब हमें निकालना है इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा हमने पढ़ा था चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम यहां पर वही कंसेप्ट यूज करके चलेंगे चार्ज कंजर्वेशन का, चार्ज कंजर्वेशन का। ओके जी, तो ऐसे पढ़ के चलेंगे कि बिफोर शेयरिंग Q1 प्लस Q2 ये हो जाएगा Q3 प्लस Q4। अब Q का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा CV, Q का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जी हाँ CV। तो Q1 कितना हो जाएगा बच्चों, C1 V1, Q2 हो जाएगा C2 V2, Q3 हो जाएगा C1, और पोटेंशियल कितना था यहां पे रिलेटेड, Q3 बराबर हो जाएगा C1 × V प्लस ये हो जाएगा C2 × V, ये हो गया C1 V1 प्लस यहां पर कॉमन ले लेंगे V। तो हमारे पास बेसिकली बना क्या, C1 V1 प्लस का C2 V2 बराबर V कॉमन ले लिया, ये बना C1 प्लस C2 कॉमन लेने के बाद। और फाइनली हमारे पास V की वैल्यू क्या मिली, ये मिली C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये आपके पास निकल के आया बच्चों कॉमन पोटेंशियल। अब ध्यान से देखिए, ये तीनों क्वांटिटीज हमें इनिशियली पता होंगी, ये तीनों क्वांटिटीज हमें इनिशियली पता होंगी। C1 हमें पता है, Q3 मेजरेबल है, V की वैल्यू हमें नहीं पता थी। तो V की वैल्यू हमने किस फॉर्म में निकाली, नोन क्वांटिटीज की फॉर्म में, C1 C2 C1 C2, ऑब्वियसली पता है, V1 V2 ऑब्वियसली पता है। तो इसका मतलब जो अननोन क्वांटिटी थी वो हमने किस फॉर्म में निकाल ली, वो निकाल ली हमने बच्चों नॉन की फॉर्म में। इज इट क्लियर। तो आगे हम पढ़ते हैं कॉमन पोटेंशियल के बाद, आपसे कोई भी अगर पूछे कि चार्ज कब तक फ्लो होगा, चार्ज कब तक फ्लो होगा, तो आप साफ साफ बता देंगे कि जी चार्ज जब तक फ्लो होगा जब तक उसका मन कर रहा नहीं, चार्ज जब तक फ्लो होगा जब तक के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसके बाद यहां पर अगर किसी ने पूछा कि भैया अगर ऐसा होगा कि एक स्फीयर को दूसरे से कनेक्ट कर दें तो क्या लिटिल बिट स्पार्क नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर दो तारे काले वाली लाल वाली गर्म वाली ठंडे वाली पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली भिड़ा दें तो चिंगारी सी छूटती है, पटाखा छूटता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर लिटिल बिट लॉस ऑफ एनर्जी होगी, लॉस ऑफ एनर्जी होगी। लेकिन आप लोगों ने तो पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वहां पर हम बोलेंगे लॉस ऑफ एनर्जी ना होकर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है दूसरे रूप में, किसमें, लाइट की फॉर्म में। स्पार्क होता है हीट पैदा होती है, स्पार्क होता है साउंड पैदा होती है, स्पार्क होगा वाइब्रेशंस पैदा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी अपना रूप बदल रही है। तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि हमने जब दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को या दो कैपेसिटर्स को आपस में कॉन्टेक्ट में लेके आए तो क्या वहां पर एनर्जी का गेन होगा या एनर्जी का लॉस होगा, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं यही देखते हैं। आइए देखते हैं, अगर सपोज करो ये दो कैपेसिटर्स हैं बच्चों, इसकी कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल V1, इसकी कैपेसिटेंस C2 पोटेंशियल V2, ये है बिफोर शेयरिंग,
बिफोर कनेक्टिंग, लेकिन जैसे ही मैंने इनको कनेक्ट कर दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ऐसी कंडीशन में हमारे पास कैपेसिटेंस तो सेम रही C1 और C2, लेकिन पोटेंशियल कितना आ गया V और V, पोटेंशियल हमारे पास आ गया V और V। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज कॉमन पोटेंशियल, और ये दोनों के दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं बताओ मुझे, ये दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए पैरेलल में। आपको ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स बताई गई थी, ऊपर इंफॉर्मेशन के अंदर मैं दे दूंगा, आप क्लिक करके वहां पर देख सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। तो आइए देखते हैं, तो अगर मैं निकालूं इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी की बात करूं, अगर मैं यहां पर इनिशियल एनर्जी मेरे पास क्या निकल के आएगी, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। इसमें एनर्जी होगी 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस इसमें एनर्जी होगी 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर। और फाइनल एनर्जी बच्चों कितनी आएगी, बोलो भाई, फाइनल एनर्जी आएगी 1/2 C1 V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V का स्क्वायर। तो अगर यहां पर मैं 1/2 C1 प्लस C2 कर लूं और V का स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहां पर मैं इसको ऐसे कर लूं कि C1 प्लस C2 और V की वैल्यू कॉमन पोटेंशियल वाली ये वाली पुट कर दूं, तो मेरे पास आएगा C1 V1 प्लस का C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इससे एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास बच्चों कितना बचेगा, ये बचेगा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, ये आपके पास कुल मिलाकर बचा। अब आइए देखते हैं, ये जो आपके पास फाइनल एनर्जी निकल कर आई और ये आपके पास जो इनिशियल एनर्जी थी, कौन से वाली एनर्जी ज्यादा है। मैं तो यही बता के चल रहा हूं ना कि इनिशियल ज्यादा होगी, क्यों, मैंने आपको बता के चला इनिशियल ज्यादा होगी क्योंकि देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनर्जी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वाली एनर्जी ज्यादा है, ये वाली एनर्जी कम है। अगर ये वाली एनर्जी मेरे कहे अनुसार ज्यादा निकल के आई तो बड़े वाली में से छोटे वाली घटाने पर हमें मिलेगी पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव, सही बन रहा है, हाँ पॉजिटिव क्वांटिटी। और अगर इसमें से इसे घटाने पर नेगेटिव मिलता है तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत था। तो आइए फटाफट इसमें से इसको घटाते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। लॉस ऑफ एनर्जी पहले हमारे पास ये वाला पार्ट है, तो हमने लिखा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे इसको, 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। देखते हैं 1/2 बच्चों आ रहा है तीनों में, तो हमने ये ले लिया 1/2 कॉमन, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, लेकिन इसके नीचे है C1 प्लस C2, तो हमने LCM लिया C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 की यहां मल्टीप्लाई करी, ये बना C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, फिर ये बना C1 C2 V1 का स्क्वायर, फिर ये बना C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर ये बना C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, फिर ये बना माइनस।
तो माइनस के बाद क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सी वन का स्क्वायर वी वन का स्क्वायर माइनस सी टू का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स सी वन सी टू वी वन वी टू, और ये ब्रैकेट हो गया वन। देखिए बच्चों, सी वन का स्क्वायर वी वन का स्क्वायर सी वन का स्क्वायर वी वन का स्क्वायर कैंसिल आउट, ऐसे ही सी टू का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर सी टू का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर कैंसिल आउट, आपके पास बचा ये, आपके पास बचा ये, आपके पास बचा और आपके पास ये वाला हिस्सा बचा। तो क्या C1 C2 मैं कॉमन ले लूं, यहां पर मैं C1 C2 कॉमन ले लेता हूं, ये आ गया आपके पास C1 C2 कॉमन और नीचे वाला C1 प्लस C2 ये रहा, अंदर बचा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स V1 V2। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है। तो आपके पास आया 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और ये आ गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास टर्म निकल के आई। अब इससे निकाल क्या लिया हमने, जी इससे तो बहुत कुछ निकाल लिया हमने। क्या कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव हो सकती है? ना ना ना। C2 नेगेटिव हो सकती है? डेफिनेटली नॉट। C1 C2 नेगेटिव हो सकती है? डेफिनेटली नॉट। V1 अगर बड़ी है, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, उसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर V1 छोटी है, उसमें से अगर V2 घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर फिर से पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी क्वांटिटी ही बच्चों कैसी है हमारे पास, पॉजिटिव। और ये पूरी क्वांटिटी क्या थी, ये थी लॉस ऑफ एनर्जी, ये थी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी किससे, फाइनल एनर्जी से। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि इनिशियल एनर्जी हमेशा फाइनल एनर्जी से ज्यादा मिलने वाली है। इज इट क्लियर? अब आपसे कोई पूछे कि जी इनिशियल ज्यादा है फाइनल कम है, तो किस फॉर्म में रिलीज हुई? आपको मैं तीन बार बोल चुका हूं किस फॉर्म में रिलीज हुई। पहली रिलीज हुई है लाइट की फॉर्म में, दूसरी रिलीज हुई है हीट की फॉर्म में, और तीसरी रिलीज हुई है साउंड की फॉर्म में। तो ये था आपके पास लास्ट टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, पकाने आपको मैं बहुत वाला हूं आज। एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक छोटा सा पॉइंट है, इसको मैं सब क्लियर अप कर देता हूं। कैपेसिटर अगर बैटरी से लगाया हुआ है और कुछ देर लगाने के बाद उसको बैटरी को हटा दिया, इसको हम बोलेंगे कनेक्टेड और इसको हम बोलेंगे डिसकनेक्टेड। फटाफट देख लेते हैं कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड के अंदर हमारे पास कुछ चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो क्या क्या है। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो, और बैटरी अगर डिसकनेक्टेड है तो, पहला है हमारे पास कैपेसिटेंस, दूसरा है पोटेंशियल, तीसरा है चार्ज, चौथा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पांचवी है एनर्जी। ठीक है जी। उसी तरीके से सी वी क्यू ई, एरो लगा हुआ है तो फील्ड और विदाउट एरो के है तो एनर्जी। और हमने क्या काम करा है, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। देखते हैं बच्चों, आपको याद होगा कि डाई इलेक्ट्रिक हमने जब इंसर्ट करा था तो कैपेसिटेंस निकल कर आई थी के टाइम्स सी नॉट, यानी कि जो मीडियम वाली कैपेसिटेंस है वो एयर वाली की के टाइम्स आ जाया करती थी, तो कैपेसिटेंस हम बोलेंगे इंक्रीज हो जाया करती थी। आप लोग लास्ट कुछ वीडियोस में देख सकते हैं ये। तो हम बोलेंगे चाहे कनेक्टेड हो चाहे डिसकनेक्टेड हो, कैपेसिटेंस तो हमारे पास इंक्रीज ही होगी। ये मैं एरो बना रहा हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एरो का मतलब ऊपर जाने का इंक्रीज होना, नीचे जाने का डिक्रीज होना। कनेक्टेड, अब ये समझो बच्चों कि जब ये बैटरी से कनेक्टेड है
तो जितनी वोल्टेज की बैटरी है वो कांस्टेंट पोटेंशियल कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करे जा रही है, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करे जा रही है, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करे जा रही है। आपके घर में अगर कोई स्विच है, उस स्विच को अगर मैं लगा दूं, कनेक्ट कर दूं और उसके बाद मीटर से नापेंगे उसको, तो चाहे वो स्विच ऑफ हो चाहे वो स्विच ऑन हो, वोल्टेज वो कितनी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, वोल्टेज वो सेम एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो यहां पर हम बोलेंगे V हो गया कांस्टेंट। अब Q का फॉर्मूला हुआ करता था CV, Q का फॉर्मूला हुआ करता था CV, और क्योंकि V है कांस्टेंट तो हम कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो जैसे जैसे C बढ़ेगा वैसे वैसे Q भी बढ़ेगा, तो हम बोलेंगे Q भी हमारे पास इंक्रीज करेगा। बात करते हैं फील्ड की। जब हम कैपेसिटर के बीच में हम कोई डाइइलेक्ट्रिक लगाया करते थे तो फील्ड डेफिनेटली कम हो जाया करती थी। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर के बीच में डाइइलेक्ट्रिक हम लगाएंगे, अगर कैपेसिटर अपनी फील्ड क्रिएट कर रहा है इस तरफ, तो डेफिनेटली डाइइलेक्ट्रिक क्रिएट करेगा इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो फील्ड हमारी अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगी, जिसकी वजह से फील्ड हो जाएगी कम। दोनों ही केस में, चाहे वो डिस्कनेक्टेड हो चाहे वो कनेक्टेड हो, दोनों ही केस में हमारे पास वो हो जाएगी कम। बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला हुआ करता था हाफ सी वी स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ सी वी स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखो, वी तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? सी के है। अगर सी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और अगर सी घटेगा तो एनर्जी घटेगी। इस केस में सी हमारे पास बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। जो एनर्जी स्टोर होगी हमारे पास कैपेसिटर में, वो अगर कनेक्टेड वे में है तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब देखिए, अगर मैंने कैपेसिटर को डिसकनेक्ट कर दिया, तो सपोज करो, ऐसे समझो कि अगर मैं बोलूं कि चार्जिंग लग रही थी इसके अंदर, और ये सोर्स जो है चार्ज दिए जा रहा था, हर पल ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिए जा रहा था। अब सपोज करो 9 बजे इसने इसको चार्ज दिया 400 कूलम, और फौरन मैंने बैटरी को स्विच ऑफ कर दिया, तो जितना चार्ज ये ले चुका वो तो कहीं जाने वाला नहीं है, वो तो उसके पास आ चुका है। जब वो उसके पास आ चुका है, तो जितना चार्ज मैं ले चुका हूं, ना ही मैं उसको रिलीज करूंगा, ना ही उसको बढ़ाने की मेरे पास कोई सोर्स बचा है। तो इसका मतलब हो गया चार्ज हो गया कांस्टेंट। जितना चार्ज मैं ले चुका हूं उसको मैं रिमूव करने वाला नहीं हूं। तो इसका मतलब हो गया यहां पर V कांस्टेंट था, यहां पर कांस्टेंट कौन आएगा? यहां पर आपके पास कांस्टेंट आएगा चार्ज। Q का फॉर्मूला होता है CV, या V का फॉर्मूला होता है Q अपॉन में C। क्योंकि Q हो गया कांस्टेंट, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। C अगर बढ़ेगा तो V हमारा घटेगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आपको बताया दिया था। बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी अगर आप जैसे मैंने यहां बताया था हाफ सी वी स्क्वायर से, जैसे कि आपको मैंने यहां बताया था हाफ सी वी स्क्वायर से, अगर आप हाफ सी वी स्क्वायर के थ्रू कैलकुलेट करोगे तो आपको गड़बड़ आएगा। क्यों आएगा गड़बड़? देखो जरा, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर से अगर आप कैलकुलेट करने वाले हो तो सी भी चेंज हो रही है, वी भी चेंज हो रही है, लेकिन हमने यहां पर हाफ सी वी स्क्वायर लिया था क्योंकि वी कांस्टेंट था। तो अब हाफ सी वी स्क्वायर ना लेकर मैंने आपको तीन फॉर्मूले बताए थे, तो हम दूसरा भी ले सकते हैं। कौन सा बताओ? हाफ हम ले सकते हैं क्यू वी, ये भी हमने लिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू आपके पास कांस्टेंट है, तो वी पर डिपेंड करेगी एनर्जी। वी हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली हम बोलेंगे एनर्जी भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। फिर से समझते हैं, Q हमारे पास कांस्टेंट है, तो V पर डिपेंड करेगी एनर्जी, और V हमारा डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। चैप्टर आपके पास होता है बिल्कुल फिनिश। कोई डाउट इसके अंदर बचा हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी वंस अगेन, टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।